गाइस अब हम लेग साइड पहुंच चुके, अब हम नेक्स्ट आगे का देखते हैं। तो चलिए यो व्हाट्स अप गाइस, आप देख सकते हो हम लेग साइड पहुंच चुके हैं। मैं हूं विनोद बहादुर थापा, एके थापा टेक्निकल, और मेरे साथ है मेरा दोस्त नारायण केसी। नमस्ते साथीहरू, हामी तपाईहरुको लागि हामीले पोखराको भ्यू खिचेर देखाउन गइरहेको छौँ, जुन लेक साइड र सरङ्कोटको प्याराग्लाइडिङ पनि सकेसम्म हामी देखाउने कोसिस गर्दैछौँ। तो देखिए गाइस, आप देख सकते हो मेरे दोस्त, उन्होंने अभी नेपाली में बोला है, ठीक है। और तो गाइस आप देख सकते हो कि अभी हम लेक साइड के बैक साइड में, तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है, पहाड़ देख सकते हो। गाइस मैं आपको माउंटेन्स जरूर दिखाता, क्योंकि आपको मालूम है वर्ल्ड में टॉप फाइव में, वर्ल्ड के टॉप टेन में टॉप फाइव जो माउंटेन्स है वो नेपाल के हैं, जिसमें से दो यहीं पर ही है, मासा पुछरा अन्नपूर्ण हमारे पोखरा में, ठीक है। तो अभी फिलहाल सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा है, इसलिए पूरा बादल ढका हुआ है, लेकिन आप ये व्यू देखिए कितना सुंदर है गाइस। मैं आपको 360 वीडियो दिखा रहा हूँ, 360 मतलब वो नहीं जो आप इसको जूम करके ऊपर नीचे चारों तरफ देख सकते हो, वैसा वाला 360 नहीं है ये। मैं आपको क्या करता हूँ, पूरा एक राउंड दिखा देता हूँ, राउंड घुमा रहा हूँ बेसिकली। तो आप देख सकते हो गाइस पूरे कॉर्नर्स में हमारे बोर्ड्स रखे हुए, वहां पे आप देख सकते हो गाइस एकदम वीडियो के लेफ्ट साइड में वहां पे एक व्यू है, एक्चुअली उसको व्यू कहा जाता है, जहां पे देखिए पता नहीं आपको दिख रहा कि नहीं, लेकिन दो कपल सेल्फी ले रहे हैं अभी चले गए। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो वहां पे जाने के लिए एंट्रेंस बहुत ब्यूटीफुल बनाया गया है, बोर्ड्स है ये। तो आप देखिए गाइस एक्चुअली ये फेवा ताल बोला जाता है इसको, इसका नाम फेवा ताल है, जिसको फेवा लेक भी बोलते हैं। और हमारा मेन दर्शन रहेगा मंदिर है यहाँ पे एक सेंटर में, और कभी डूबता नहीं, एकदम ये नदी बोल सकते हो, लेक बोले आप इसको, उसके सेंटर में एक मंदिर है जिसको आज हम देखेंगे। आप बस इस व्यू का मजे लीजिएगा, इतना ब्यूटीफुल ये व्यू है, आप देख सकते हो ऊपर पैराग्लाइडिंग हो रहा है, लेकिन मैं आपको गाइस जूम करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से खींच रहा हूँ, और ये मैं वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। मैं एक्चुअली इधर आया था और मैंने बहुत समय से वीडियो डाला भी नहीं था अपने ब्लॉग में। तो चलिए गाइस अब हम फ्रंट साइड में चलते हैं। गाइस आप देख सकते हो हम बैक पे पहुंच चुके हैं, मैंने अभी आपको जो व्यू दिखाया था वो ऊपर से दिखाया था, ये देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। मैंने सोचा अभी फ्रंट फेस दिखाया नहीं, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं फ्रंट फेस दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे भाई है, मतलब ब्रदर नारायण केसी। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट फ्रंट साइड में चलते हैं। अब आप देख सकते हो कि अभी हम फ्रंट साइड की ओर जा रहे हैं, जो मंदिर है वो क्या है लेक के बीच में। मेरे को अच्छा हिंदी नहीं आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो जाता है। ठीक है गाइस आप देखिए, आप ये बस रास्ता है अभी, क्या नीचे चल रहा है शायद नाम प्लेट वाला होगा, पता नहीं क्या। तो बस अब हम फ्रंट साइड पे चलेंगे, और जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बीच में एक मेन मंदिर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस आप देख सकते हो कि हम लेक साइड के फ्रंट साइड में पहुंच चुके हैं। तो मैं अब आपको यहाँ से इसको एक बार फिर से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो व्यू दिखाया था उस तरीके से करके मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये जो आप स्टार्टिंग में देख पा रहे हो अभी, ये आप पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक ये टूरिस्ट भी होगा जहाँ पे लोग जा रहे हैं, और एकदम ही फेवा लेक के सेंटर पे है, ठीक है। तो यहाँ से लोग अपना पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। तो जो मैं आपको तब से बोल रहा हूँ कि जो सेंटर पे आज हमारा मेन दर्शन है वो है मंदिर, आप देख सकते हो गाइस धीरे धीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देखिएगा इस वीडियो के एकदम लेफ्ट कॉर्नर में अभी सेंटर पे दिखने वाला है, वही है आज का हमारा मेन मंदिर गाइस, ठीक है, जो कि एकदम फेवा लेक के सेंटर पे। और आप देख सकते हो कितने सारे बोट्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, उस बोट्स पे चढ़ेंगे और बराबर उस मंदिर के बीच में जाके मैं आपको दिखाऊंगा गाइस कितना ब्यूटीफुल एरिया। और आप गाइस एकदम टॉप पे देख सकते हो स्टूपा दिखाई दे रहा बुद्धा का, ठीक है। आपको मालूम है कि जैसे ये नेपाल में बुद्धा बॉर्न हुए थे, तो बस इसको गाइस आप देख सकते हो मेरे
दोस्त आ रहे इधर से, ठीक है। आप देख सकते हो कि हम ताल बराही मंदिर के सामने आ चुके हैं। हम बराबर सेंटर में, जो मैं आपको तब से बोल रहा हूँ जो आज हमारा दर्शन है में, वो यही है कि जो फेवा ताल है उसके सेंटर में अभी हमने जो नाव चढ़ के आए थे वो इसी मंदिर के अंदर अभी हम घुस चुके, एंट्री कर चुके। ये देखिए गाइस, अभी आपको जो सेंटर में दिखाई दे रहा है वही हमारा मेन मंदिर है, तो मैं अभी आपको उसका दर्शन कराऊंगा। यहाँ से तो मैं लाइव कराऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे और भगवान आपको आशीर्वाद जरूर दे। आप देख सकते हो कबूतर कितने सारे हैं, और ऐसे बहुत मजा आता है गाइस ऐसे लाइव देखने में, एकदम दिल को सुकून मिलता है। तो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको डायरेक्ट मंदिर का दर्शन कराता हूँ, एंड आई होप आपको ये व्यू बहुत पसंद आ रहा होगा। वेल गाइस, तो आप आइए, मैं आपको मेन सेंटर जो मेन मंदिर है वो दिखाता हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत है। अभी जस्ट हमें यहाँ पे और दो दोस्त मिले अभी आप लोगों को, तो अभी मैं और मेरा दोस्त जो नारायण है वो दोनों हम वीडियो अंदर दर्शन करेंगे और उसको पकड़ाएंगे ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। और मैंने तब से फेस नहीं दिखाया था अपना, तो मैं आपको फेस दिखाना चाहता हूँ। कबूतर देख सकते हो गाइस आप कितने सुंदर है। आप देख सकते हो हम मंदिर के सेंटर पे आ चुके हैं। अभी मंदिर का हम एक ग्राउंड कंप्लीट करेंगे, और आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर घंटी तो बजाते हुए मैं बोल रहा हूँ। आई होप आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा होगा। और जो कैमरा पकड़े वो भी हमारे दोस्त है, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्त हमारे यहाँ पर है। तो अभी हम एक ग्राउंड कम्प्लीट करेंगे और फिर अंदर मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। आप देख सकते कितना सुंदर व्यू है, क्योंकि आज सुनते ही पूरा मन को सुकून मिलता है। आप देख सकते हो कि हमने आपको जस्ट अभी सेंटर का दिखाया, तो आप देख सकते हो मेरे दो दोस्त एक्स्ट्रा ऐड हुए, तो जस्ट मुझे वो इधर ही मिले। अब अपना नाम बता दीजिए। हाय, मैं दीपक आचार्य। और तुम? हाय, आई एम सुर आचार्य। ओके, तो आइए अब मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो जस्ट यहाँ पे कितने सारे फॉरनर्स भी आए हुए, वो फोटो खींच रहे हैं। अच्छा, बढ़िया वीडियो आ रहा है। हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया आ रहा। तो ये जस्ट वही मंदिर जो अभी हमने राउंड मारा था, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सारे
लोग आए हुए, इधर कबूतर भी बहुत है अभी, लेकिन दिख नहीं रहे, पता नहीं किधर गए। कोई नहीं, आप व्यू देख सकते हो गाइस, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो मेन मंदिर यही है जो मैं तब से आपको फेवताल बोला जा रहा था। कुछ बोलो गाइस, इधर जा रहे हिंदी में कबूतर बोलता है, लेकिन नेपाली में इसको परेवा बोलता है। ओके ठीक है, ऐसा है। कोई नहीं, लेकिन चैनल आप हिंदी में तो हिंदी में बोलेंगे। और ठीक है, अच्छा है। तो और गाइस यहाँ तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। लो आप देखिए गाइस, पूरा हम नीचे में आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको बैक साइड का दिखा देता हूँ, देखिए कितना क्लियर दिखाई दे रहा है बैक साइड का। वो आपको जो पीछे दिखाई दे रहा है एक्चुअली वही स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम आए थे। अभी हम बहुत काले दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं आप फोकस करता हूँ। ऑल राइट ठीक है, देखिए गाइस सब अभी इसी नाव में बैठ के अभी हमें वापस जा रहे हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वेल गाइस आप देख सकते हो कि अभी हम वहाँ से पार आ चुके हैं। हमने बीच में जो हमारा सेंटर था मेन मंदिर, वहाँ से पार आ चुके हैं। अभी बस अब हम जहाँ हमारा जो मेन फिर से बैक साइड था वहाँ पे जा रहे हैं। आप देख सकते हो बैक साइड में वही सब, वापस नाव चढ़ना, टिकट काटना, देन पहुँचना। आप देख सकते हो मंदिर ऑल राइट गाइस, अभी दिख नहीं रहा है मंदिर, कोई नहीं, लेकिन मैंने आपको दिखाया मंदिर। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था तो माफ कर दीजिएगा अगर मैंने अच्छे से वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉग बनाने का, तो मैं सोच रहा हूँ कि एवरी संडे मैं ऐसे एक ब्लॉग बना के डाल दूँ। हालांकि टेक्निकल चैनल है, लेकिन मैं कुछ मैंने ऐसा टेक्निकल बातें किया नहीं, लेकिन हर बार टेक्निकल बातें, वो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बोरिंग फील होता है, समटाइम्स एंजॉय। आप देख सकते हो पीछे, देखिए कितना सुंदर व्यू और मंदिर। ऑल राइट, मंदिर तो इस साइड दिखाई दे रहा गाइस, आप देख सकते हो जस्ट मेरे पीछे, देखिए मंदिर है। ठीक है, तो गाइस ये अब मेरा लास्ट वीडियो होने वाला, ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। सो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आप देख सकते हो ठीक मेरे पीछे कितना एक लंबू इंसान जा रहा, बाप रे, ब्लैक में आप देख सकते हो। फ्रंट से देख भाई, मैं दिखा देता हूँ फिर रख देता हूँ कि ये कितने लंबे है। ऑल राइट, आप देख सकते हो। ऑल राइट, उन्होंने हेलो कहा, चलो अच्छी बात है, यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत अच्छे है। हम लोग से डबल है, हाइट में डबल है, इतना हाथ भी इतना है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये मेरा आज तो एंडिंग है ये, एंड ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। ऑल राइट, ओके, सही हो नारा, बाय बाय।